मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख, आज हम देखेंगे MSCIT जॉब रेडीनेस का इलेक्टिव सेशन फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव करने का टेक अ चैलेंज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फ़ोटोशॉप इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो फ़ोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सही या गलत? तो इसे हम ट्रू करेंगे, फ़ोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर इमेजेस गेट स्मूथली प्रिंटेड इवन इफ दे आर स्केल्ड एट लार्ज अमाउंट। वेक्टर इमेजेस जो होते हैं, यानी कि कोरल ड्रॉ के उसके, तो वो स्मूथली प्रिंट होते हैं तब भी, इवन यानी कि तब भी जब वो स्केल होते हैं बड़ी अमाउंट में, या फिर उसे खींचा जाता है बड़ी अमाउंट में। तो इसे हम ट्रू कर देंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स आर्टिस्ट कैन यूज़ फ़ोटोशॉप फॉर। ग्राफिक्स जो आर्टिस्ट होते हैं वो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक आर्टिस्ट यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप किस लिए? तो ग्राफिक्स जो आर्टिस्ट है वो कंपोस्टिंग इमेजेस के लिए फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द डिस्प्लेड पिक्चर यू वॉन्ट टू कॉपी जस्ट द बर्ड टू योर फोटोशॉप फाइल टू सेलेक्ट आउटर बॉर्डर ऑफ बर्ड फ्रॉम द पिक्चर यू कैन यूज़। इस फोटोशॉप के जो इमेज है उसमें से हमें सिर्फ बर्ड सेलेक्ट करना है, तो ये बर्ड सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो हम यहाँ से लेसो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ बर्ड्स के सलेक्शन के लिए। और ये जो ऊपर आ रहा है ये पर डे मैक्सिमम लिमिट का है, बाकी यहाँ पर ये सही आ रहे हैं, पर डे मैक्सिमम लिमिट होने पर वो ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIFF, PNG, JPEG आर द फॉर्मेट्स ऑफ। ये जो ग्राफिक्स इमेज होती है PNG की, JPEG की, ये सारे फॉर्मेट्स किसके हैं? तो ये रेस्टर इमेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल इट गेट्स क्रिएटेड विद डिफ़ॉल्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड। जब आप नई फाइल बनाते हैं तो वो एक डिफ़ॉल्ट लेयर से बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैकग्राउंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द स्क्रीनशॉट शोन हियर फॉर ऑफ द फोटोशॉप फाइल विथ मल्टीपल लेयर। What format will you choose to save this file so that you can reopen and edit its layer after some time? तो इसमें से ये जो फॉर्मेट है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है जिससे हम बाद में ओपन कर सकते हैं फाइल और बाद में और क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं? तो JPG PNG में डबल से हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो ये जो PSG जो एक्सटेंशन है फ़ोटोशॉप का होता है, तो इससे हम एडिट कर सकेंगे हमारे फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द शोन इमेज विच टूल यू विल यूज़ फॉर पैनिंग। पैनिंग के लिए या फिर उसे हटाने के लिए हम इसमें से कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहला है मूव टूल, हैंड टूल, रोटेट व्यू टूल या जूम टूल। तो इसमें से हम पैनिंग के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ से हैंड टूल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजस्ट द सेलेक्शन You can make free transformation to the selected selection by pressing Ctrl+T. तो Ctrl+T से क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? तो T का फुल फॉर्म से हम याद रख सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रू है, Ctrl+T से हम फ्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच टूल यू कैन डिज़ाइन द लैंडस्केप सिमिलर टू द वन डिस्प्लेड। तो ये जो डिस्प्ले किया हुआ है उससे हम कौन से टूल से इस तरह बना सकते हैं? तो पेंट से, ब्रश से हम कर सकते हैं, ब्रश टूल की मदद से। तो इसका जवाब ब्रश टूल है। तो ये था हमारा MSCIT जॉब रेडीनेस का इलेक्टिव सेशन फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूवर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।